नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube स्टेशन पर। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आज शनिवार का दिन है, हम बात कर रहे हैं सफरनामा की, हमारे वीकली कॉन्वर्सेशन सीरीज की। सियासत से हटकर कुछ बातें कुछ खास लोगों से, खास शख्सियतों से, उनके करियर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके अप्स एंड डाउन्स को जानने की एक कोशिश, उनसे कुछ सीखने की कोशिश। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, हकीमुद्दीन हबीबुल्ला, आप ओलंपियन स्विमर हैं, भारत का प्रतिनिधित्व आप सिडनी ओलंपिक्स में कर चुके हैं और साथ ही आप फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं स्विमिंग मैटर्स इंडिया के। इन दिनों आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मर्था पूल्स इंडिया के। बैंगलोर से आज हमारे साथ इस सफर में आप जुड़ रहे हैं। वेलकम हकीमुद्दीन आपका इस शो पर। शुक्रिया स्मिता, मेरी खुशी है यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू हकीमुद्दीन। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं, ये जो आपकी मोहब्बत है पानी के साथ में, वाटर के साथ में जो आपका रोमांस है, ये कब कैसे शुरू हुआ, किस एज में शुरू हुआ, क्या कभी डर लगता था पानी से उसके पहले? एक्चुअली मुझे जब यू नो जब मेरी फर्स्ट पहली जो इंट्रोडक्शन था पानी से, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पर मुझे ये कहा जाए कहा जाया जाता है कि मेरे जब क्लासमेट मेरा जब नर्सरी में था, मेरा एक क्लासमेट पानी में डूब के मर गया था। तो उस दुर्घटना के कारण मेरे माता पिता ने सोचा कि अगर मुझे तैरना सिखाया जाए, यू नो अगर मुझे तैरना आता है तो वो मेरे लिए अच्छा होगा और मोर एज अ लाइफ सेविंग स्किल। पर वहां से शुरू होके यू नो जो इंट्रोडक्शन हुआ, मुझे तब से काफी यू नो 2-3 साल खाली पानी में खेलने के लिए यू नो एक होटल नजदीक में था, मैं वहां पे पानी के साथ खेलता था। कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी मेरे लिए, तो वहां से शुरू होके क्योंकि मुझे मैं यू नो रोज जाके जब यू नो मेरे माता पिता भी कहते थे कि मुझे मैं काफी नटखट था जब छोटा था। तो मैं पानी में खेल के जब घर आता था तो शांत होता था। तो इसीलिए मेरे माता पिता ने सोचा कि क्योंकि मुझे मजा आ रहा है पानी के साथ, तो उसी से नेक्स्ट स्टेप उन लोगों ने मुझे एक लर्न टू स्विम कैंप में इंट्रोड्यूस किया। और क्योंकि मैं यू नो एक या 2 साल पानी से खेल रहा था, एक्चुअली यू नो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कैसे इनफॉर्मल प्लेस है यू नो पानी से, जो इनफॉर्मल जब हम खेलते हैं कितना सीखते हैं उसके से। तो वहाँ से शुरू हुआ और यू नो जैसे मैं कहा, इट वाज एसेंशियल लाइफ स्किल मुझे यू नो पानी से सेफ रखने के लिए। यू नो मतलब छोटे में आप बदमाशी करते थे, अभी तो खैर बड़े शरीफ नजर आते हैं। आपकी फर्स्ट इनिशियल मेमोरीज क्या है वाटर के साथ में, जो आपको याद हो कि आप पानी को एंजॉय कर रहे हो या आपके आसपास लोग स्विमिंग कर रहे हो, आप डर गए हो एज अ किड, आपकी इनिशियल मेमोरीज क्या है? मेरी इनिशियल मेमोरीज यही है कि जो यू नो नजदीक में एक होटल का पूल होता था जहाँ पे मेरा यू नो मेरे पिताजी लेकर जाते थे, और मैं यू नो ऐसी डुबकी मारना पानी के अंदर, कुछ पानी यू नो एक कॉइन पानी के अंदर डाल के निकालने के लिए, या तो ये सब बस 1-2 घंटा कैसे चले जाता था मुझे पता नहीं चलता था। मुझे बहुत मजा आता था और यू नो इसी दौरान मुझे कोई आई मीन उसी टाइम मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की थी यू नो पर तो उसकी शुरुआत कब लगा कि इसे प्रोफेशनली जो है ट्रेनिंग में अब तब्दील करना चाहिए? तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा जो जिंदगी है इंग्लिश में मैं कहता हूँ इट्स अ सीरीज ऑफ फॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स। राइट। तो यू नो एक ऐसी हालत हुई कि उस होटल में एक स्ट्राइक हो गया था, तो बंद हुआ था यू नो कुछ महीनों के लिए, और उसी दौरान मेरी माँ मुझे एक दूसरी पुल को लेकर जाती थी कुछ दिनों के लिए। और वहाँ पे जब हम लोग मैं लेडीज बैच में जाता था, और लेडीज बैच अक्सर वो लास्ट बैच होती थी, तो जब हम लोग निकल रहे थे तो कुछ लोग अंदर आ रहे थे, तो
मेरी माँ ने पूछ पूछताछ की कि क्या ये लोग क्यों अभी लास्ट बैच लेडीज बैच है, ये लोग क्यों अंदर जा रहे हैं। तो पता चला कि ये लोग कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ से मेरी माँ ने सोचा कि हाँ अगर मुझे पानी से लगाव है और तो क्यों ना मैं थोड़ा मेरे स्किल्स इंप्रूव करूँ और जो सही टेक्निक है मैं वो सीख जाऊँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, तो आपका जो अपना चॉइस था, डिड यू एक्चुअली वांट टू बी अ स्विमर? आप इंजीनियर भी हैं, आप पर्सनली आपकी क्या चॉइस थी जब आप एक टीनेजर हुए, आप कॉलेज जाना शुरू किया? क्या आपका दिल लगता था स्विमिंग में, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर ज्यादा होता था, या वो आपकी अपनी चॉइस थी? मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किए। तो स्मिता, मेरी बैकग्राउंड ये थी कि अभी हम लोग काफी सिंपल बैक से शुरू किया से आते से आ, 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 मैं कहूँगा कि हम लोग लाइक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से शुरू किए हमारी सफर। तो ऐसे कुछ मेरे पेरेंट्स की कोई माता पिता की कोई बैकग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स में या स्विमिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो उन लोगों का कोई ये इरादा नहीं था कि मैं जाके कोई बड़ा काम करूँ स्पोर्ट्स में या स्विमिंग में। वहां से शुरू किया कि पर उन लोगों का यही मानना था कि हम लोगों को अच्छा जो भी एकेडमिक या स्पोर्ट फाउंडेशन अच्छा होलिस्टिक हमको अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए अलग अलग चीजों में। और वहां से ये स्विमिंग की के साथ में मेरा प्यार शुरू हुआ। और मैंने एक्चुअली काफी कोई स्पोर्ट मैंने स्विमिंग और स्विमिंग के साथ साथ ट्रायथलॉन शुरू किया था। स्विमिंग ट्रायथलॉन के ट्रायथलॉन साथ? ओके। ट्रायथलॉन स्विमिंग साइकिलिंग और रनिंग है। तो मैं जूनियर लेवल पे ये दोनों करता था क्योंकि मुझे दौड़ना और साइकिलिंग करना भी पसंद था। और वहां से शुरू करके फिर स्विमिंग में फोकस स्टार्ट हुआ। पर पेरेंट्स की कभी कोई प्रेशर नहीं थी या वो उन लोगों को यही था कि जब तक मुझे पानी से पसंद है या जो भी मैं कर रहा हूँ अगर मुझे मजा आ रहा है और मैं खुद सुबह उठ के हंसी खुशी जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो उन लोगों का यही था कि क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स था उसको लेके पढ़ाई फर्स्ट हमारे लिए एकेडमिक्स ऑलवेज पहला पहले आता था कि एकेडमिक्स फर्स्ट और जो भी और स्पोर्ट एक सीरियस हॉबी की तरह होता था जो कि आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज में देखने को भी मिलता है कि भाई पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, बाकी जो करना है वो बाद में कर लेना। करेक्ट। हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, मीर अमीना, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो रोज ट्यून इन करती हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन हमारे साथी पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। विकास कुमार गुड इवनिंग कह रहे हैं आपको, और कुछ सवाल भी इन्होंने दागे हैं जो हम आगे शामिल करेंगे। लेकिन अगर वापस मैं आपके करियर के बारे में पूछूं, इसके पहले कि हम दूसरे मुद्दों पर बातचीत करें, अकीम, ये कब लगा आपको कि आप ओलंपिक्स में जा सकते हैं, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग को वहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एहसास कब होने लगा आपको? तो सच कहूँ स्मिता, मेरी मुझे कभी मुझे ओलंपिक्स के बारे में पता नहीं था काफी टाइम के लिए। जब तक मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 17-18 साल का हुआ तब तक मेरा कोई ये इरादा नहीं था कि मुझे ओलंपिक्स जाना है। तो मुझे मेरा पर मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिया के लिए दो एज ग्रुप में और सीनियर्स में मैं 13 साल का था, 13 और 14 साल का था जब मैंने फर्स्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। पर ऑलमोस्ट 17-18 साल तक जब मैं हुआ मुझे ओलंपिक्स जाने की कोई मोटिवेशन नहीं थी कोई उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स मुझे खेलना था और उसके बाद मुझे स्विमिंग छोड़ के पढ़ाई के ऊपर फोकस करना था। वो मेरा आइडिया था और प्लान था। पर क्योंकि उस टाइम में ऑलरेडी इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी थी मेरी।
और पर कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ उस एशियन गेम्स में। अच्छा तो उसके बाद मुझे यही था कि अगर मैंने एशियन गेम्स नहीं खेल खेल सकता था, तो उसके ऊपर जो उससे बढ़ के जो दूसरा कंपटीशन है वो ओलंपिक गेम्स है। और अगर मुझे खुद पर यकीन था कि मैं उससे भी अच्छा कर सकता हूँ, और तो उस टाइम पे ओलंपिक्स की का ध्यान आया मेरा ऊपर, और फिर मैंने फोकस किया 2000 ओलंपिक्स के लिए। और उसी टाइम पे, तब तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी ओलंपिक्स के बारे में, और मुझे पता था कि बड़ा इवेंट है, पर खुद पे यकीन नहीं था कि मैं उसमें भाग ले सकता था। अच्छा, तो जब 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 ये खबर आई, जब पता चला कि भाई सिडनी का टिकट बुक हो रहा है, क्योंकि हकीमुद्दीन हबीबुल्लाह को सिडनी ओलंपिक्स में 200 मीटर्स के जो मेंस कैटेगरी है फ्री स्टाइल स्विमिंग, उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए वो क्वालिफाइड है, उस दिन का रिएक्शन याद है आपको? हाँ, तो मुझे तो पहले मैंने फर्स्ट जो क्वालिफाइंग मीट था ताइवान में, खाओशियंग ताइवान में, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड को 2.22 सेकंड से तोड़ा था। वो मेरे इवेंट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस से मैंने तोड़ा था, और बहुत नज़दीक से मैंने ऑफिशियल ओलंपिक क्वालिफाइंग टाइम मिस किया था। तो मुझे काफी दुख था कि मैं इतना करीब आके चूक गया था। इंडिया में मैं इंडिया का टॉप मेल स्विमर था उस टाइम पे, तो मुझे उसको जो वाइल्ड कार्ड टिकट है फीना का ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं था। तो मुझे पता है कि उस रात जब मैंने मेरा 100% दे के नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, और मैं बहुत मैं रात में रो रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या होगा अभी। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब फीना ने मुझे वाइल्ड कार्ड टिकट दिया ओलंपिक्स जाने के लिए, मुझे पता चला, तो मुझे मैं खुशी से काफी पागल हो गया था उस दिन, क्योंकि उस जर्न उस सफर, उस 2 साल का सफर जो एशियन गेम्स का जो मुझे दुख था जी क्वालिफाई नहीं होने का, और फिर फाइनली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होने का जो खुशी थी वो दुगना हो गया। तो वो खुशी में किया क्या आपने? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या डांस कर रहे थे? क्या चीख रहे थे? मैं बस कूद रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे सपोर्टर्स मेरे पेरेंट्स से शुरू होकर मेरे फैमिली, मेरे भाई, छोटे भाई, और मेरा कोच, बहुत लोगों ने मैंने मुझे सपोर्ट किया था उस जर्नी में। और हम लोग सबको पता था कि बहुत मुश्किल है वो सफर ओलंपिक्स जाने का, कोई उसमें बहुत रिस्क है, काफी चैलेंजेस है, और बहुत नजदीक आके भी शायद टिकट नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज वो डर था, और जब तो इसीलिए काफी खुशी हुई थी। और हमारे हमारी फैमिली काफी सिंपल है, तो हम लोग ज्यादा जब कुछ अच्छा होता है तो हम ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं, और ज्यादा अगर कुछ बुरा भी होता है तो ज्यादा दिल पे लेते नहीं है, और इतना बुरा भी नहीं मतलब मानते। एक बैलेंस बनाए रखना जो है वो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है वो अच्छी हाँ, बात भी है। तो वो रखे मीडियम पर थी, क्योंकि ऑलमोस्ट अगले दिन मुझे रियलिटी चेक हुआ, क्योंकि जब मैंने जाके मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर को बोला कि मैं ओलंपिक के लिए जा रहा हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि अच्छा, तो ओलंपिक्स में पूरा कर्नाटका भाग ले रहा है या पूरा इंडिया भाग ले रहा है? तो मैंने तो तो तब मुझे पता चला कि काफी लंबी सफर है इसके बाद भी, क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं कि ओलंपिक्स क्या होता है, कितना बड़ा है। और तो मैंने बताया कि नहीं, पूरा दुनिया भाग लेगी इसमें।
तो वो बोला यू नो द प्रोफेसर बोला अच्छा ओ वेरी गुड तो ये बैंगलोर में हो रहा है. मैं बोला नहीं यू नो ये सिडनी में अगले महीने सिडनी में होगा. तो काफी रियलिटी चेक यू नो मुझे अगले दिन ऑलरेडी हुआ कैसे असर डाला है स्विमिंग पर, इस पर हम आगे बात करेंगे. अमीर अमीना आपसे टिप्स मांग रही है कि उनको पानी से बहुत डर लगता है और मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, इजी टिप्स दीजिए स्विमिंग के लिए. वो प्रैक्टिकल टिप्स तो मैं खुद अपने लिए भी लूंगी, लेकिन अगर हम ओलंपिक्स की बात एक बार जरा कर लें और उसके बाद फिर दूसरे मुद्दों पर आते हैं. जब आप उस आप कंपटीशन में थे, कंपीट कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? व्हाट वाज योर मंत्रा कि अगर टेंशन हो, एंजाइटी हो तो कैसे डील करें परफॉर्मेंस से पहले? हालांकि यू कुडंट अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, वो ओवरऑल मैच रैंकिंग्स नहीं आ सकी थी, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसे इंटरनलाइज करते हैं टेंशन को, एंजाइटी को जब एक पीक कंपटीशन में होते हैं? तो एक तो मैं एक फर्स्ट पीक जो मेन परफॉर्मेंस कैसे मैं हैंडल करता हूँ उसके ऊपर फर्स्ट फोकस करूंगा, क्योंकि और उसमें मेरे एटलीस्ट मेरे सफर में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, क्योंकि जब मैं मैंने फर्स्ट टाइम फाइनल्स में भाग लिया था इंडिया के लिए जब मैं 13 साल का था, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स ढाका में हुई यू नो हुई थी, मैं इंडिया का यंगेस्ट पार्टिसिपेंट था. मुझे ओवर एक्साइटमेंट था और डर भी यू नो, और मुझे पता है कि मैंने मेरा पूरा रेस का जो प्लान था पूरा चौपट गया. और यू नो मैं फिफ्थ आया उस इवेंट में और काफ़ी बुरा लगा और मुझे काफ़ी थोड़ा यू नो, पर जैसे मैंने मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले और ज़्यादा यू नो मैं ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. और यू नो और हम सब लोग यू नो हम लोग योगा करते हैं, हम सब लोग ब्रीदिंग पे ऊपर फोकस करते हैं मेंटली हम यू नो, पर एक तो कहना है और दूसरी चीज़ उस टाइम पे कैसे हम कंट्रोल करते हैं सबको वो काफ़ी मुश्किल है यू नो. तो थियोरी में एक चीज़ है और प्रैक्टिकली हम ओनली बाय एक्सपीरियंस सीख सकते हैं, क्योंकि जितना भी कितना एक्सपीरियंस मिलेगा उस एक्सपीरियंस के ऊपर हम यू नो बिल्ड कर सकते हैं और यू नो ज़्यादा हमारी कॉन्फिडेंस बिल्ड सकते हैं. तो मेरे करियर के यू नो जैसे करियर बढ़ने लगी मेरी कॉन्फिडेंस और जो उस प्रेशर को हैंडल करने की जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा यू नो बढ़ गई थी. और तो मैं काफ़ी टाइम यू नो इंडिया का एंकर मैन होता था यू नो रिलेज में, जब हाई प्रेशर सिचुएशन में मुझे डाला जाता था क्योंकि यू नो मैं उसको फिर हैंडल कर सकता था. पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई उसमें शॉर्टकट नहीं है, जितना आपको क्या ये एडवांटेज था कि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोग ट्विटर पर दिन भर जो है ट्रोलिंग नहीं करते थे, अब्यूज नहीं करते थे, शायद सेल्फी का भी उतना जमाना नहीं था. आपसे मैंने पूछा कि आपकी कोई वीडियोस है क्या, तो आपने कहा नहीं मैं तो उस दिनों सेल्फीज भी नहीं लेता था. तो वो एक एडवांटेज था उस वक्त के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कम्पेयर टू द प्रेशर जो आज के स्पोर्ट्स पर्सन आज के 24/7 365 डेज इंटरकनेक्टेड ऑनलाइन माहौल में झेलते हैं. About their performance? मैं मानता हूँ कि आज के एथलीट के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है यू नो, जो उम्मीद जो है उसके उनके ऊपर वो ज्यादा होता है, तो प्रेशर भी ज्यादा है. पर उस टाइम भी उस हालात में प्रेशर होती थी यू नो एक्सपेक्टेशंस. जैसे हम लोग साफ गेम्स जब खेलते थे तो इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका सब कंट्रीज के यू नो के साथ जब हम कंपटीशन खेलते थे तो मुझे याद है 1995 साउथ गेम्स चेन्नई में जब हुआ तब यू नो हर एक सुमर एक क्रिकेट स्टार के जैसे यू नो माना जाता था. तो हमारे पास लोग लाइन में खड़े होके ऑटोग्राफ लेते थे और बच्चे को लेके आते थे हमको यू नो प्लीज हमारे बच्चे को आप हाथ लगाओ ब्रेस्ट यू नो ब्लेस करो हमारे बच्चे को. तो यू नो ये ऑफकोर्स यू नो कुछ ही पल थे जो यू नो स्पेशली जो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा मेडल्स मिलते हैं उस पीरियड में काफ़ी होता था. और
जब इंडिया पाकिस्तान का जो अगर को एक क्लोज कॉम्पिटिशन होता तो प्रेशर काफी हम लोग महसूस करते थे. पर ओलंपिक्स के बात करो तो मुझे एक्चुअली इतना यू नो क्योंकि मेरा जो स्टैंडिंग था काफी यू नो पीछे था, तो मुझे ऐसे कोई मेजर परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था. पर मुझे दूसरा प्रेशर था या दूसरा कि यू नो मैंने इतना कुछ किया है इधर पहुंचने के लिए, तो मुझे उस हर एक क्षण को कैसे मैं उसको यू नो उसका मजा लूं, get the most out of each moment. Yeah, how can I absorb that moment and live in that moment. Performance ki parwa itni nahi thi, I mean us time pe, kyunki mujhe you know medal ki koi umeed bhi nahi thi mere upar ya kuch you know to wo thoda alag situation tha. But there's always that expectation for a dark horse or you know somebody ki koi undercurrent aa jaye. राहुल सिंह रावत हाई कर रहे हैं, थैंक यू राहुल फॉर ज्वाइनिंग द शो. हकीमुद्दीन, एक ओलंपिक्स पर जो एक आखिरी सवाल आपके मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आज आपने 2000 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, सिडनी ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था, और आज 2020 है, हालांकि 20 ईयर्स बीत चुके हैं. अपने आप में द गेम्स हैव अंडरगॉन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओलंपिक्स इटसेल्फ हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस, लेकिन उस वक्त आपके लिए जो एक इम्प्रेशन था या एक यू नो व्हिच स्टेड विद यू एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम ओलंपिक्स देन, व्हाट वाज दैट? सी, एक जो मुझे यू नो सिडनी ओलंपिक्स का टैगलाइन था सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो टैगलाइन मुझे बहुत पावरफुल लगा था, क्योंकि यू नो जब हम लोग इंडिया में उस टाइम पे एथलीट का उतना वैल्यू नहीं था, यू नो तो बट जब हम लोग ओलंपिक गेम्स गए थे तो गेम्स विलेज, ओलंपिक गेम्स विलेज में एथलीट सबसे बड़ा है और सब लोग अलग आई मीन सेकंड एथलीट के पीछे आते हैं, तो वो जो फीलिंग आती है जब यू नो आई मीन और वहाँ पे भेदभाव नहीं है कि यू नो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट या आप क्वालिफायर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग सब एथलीट एक बराबर है यू नो जब ओलंपिक गेम्स विलेज में है. और वो मुझे यू नो सबसे बड़ा इम्प्रेशन वो मेरा था यू नो जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यू नो गेम्स विलेज एक ऐसी एक जगह थी जहाँ पे दुनिया के सब लोग अलग अलग स्किल में यू नो लेके जो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे और एक दूसरे को यू नो रिस्पेक्ट करते थे. मुझे यू नो याद है कि पहले एक दो दिन में ऑटोग्राफ बुक लेके भागता था, यू नो कितने इतने सुपरस्टार्स थे उस विलेज में जो मैंने मैगजीन्स में देखे थे, और पर दो तीन दिन के बाद मैंने ऑटोग्राफ बुक बंद करके मेरे बैग के अंदर रख दिया, क्योंकि मुझे लाइक सबने मुझे महसूस किया कि आप भी हमारे बराबर है यू नो. तो यू नो मुझे फिर यू नो मुझे ये नहीं लगा कि वो लोग सुपरस्टार है, मैं यू नो कोई नहीं हूँ, यू नो उस तरह का माहौल यू नो मैं कहता हूँ कि इट्स हेवनली जब लोग मुझे पूछते कि यू नो ओलंपिक्स का जो एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि वो गेम्स विलेज में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो स्क्रीन में हम लोग देखते हैं वो खाली कॉम्पिटिशन के बारे में देखते हैं, पर जो गेम्स विलेज है वो एक्चुअली the heart of you know वो मेन जगह है, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो स्वर्ग का जैसा है. बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि यहाँ काफी सारे ऐसे दर्शक हैं जो इन बातों को हम नहीं सोचते हैं, जो खास करके हम लोग नॉन एथलीट्स हैं. हम अगर स्विमिंग करते हैं तो एज अ हॉबी करते हैं, एज अ पार्ट टाइम करते हैं कि बहुत गर्मी हो गई तो चलो पूल में आधे घंटे के लिए थोड़े से लैप लगा लिए, लेकिन जो सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी का टैगलाइन जिसका आपने जिक्र किया सिडनी में, अब आज की दौर की अगर हम बात करें हकीमुद्दीन, और थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप अपने वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर सकें, जो कोविड का सवाल पूछ रहे हैं रॉबिन यहाँ पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है. आपके साथ सिडनी ओलंपिक्स में निशा मिलेट थी, उनकी अपनी स्विमिंग पूल है, अकेडमी है बैंगलोर में, आप लोगों की अपनी अकेडमीज हैं. कितना असर पड़ा है कोविड-19 का,
कैसे आप लोग इस वक्त जो है, आपको कोई उम्मीद भी है कि कब तक पूल्स वगैरह आप लोग ओपन कर पाएंगे? लाइवलीहुड्स कैसे सस्टेन हो रहा है तमाम जो स्पोर्टिंग स्टाफ और कॉलीग्स का? तो यू नो, ये एक अजीब सिचुएशन हम सब फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने ऐसे कभी किसी ने एक फेस नहीं किया है. यू नो, तो कोविड की बात किया जाए तो ये पहली बार इस सिचुएशन में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि सब जगह इंडिया, आई मीन इंडिया को ज़्यादा असर हुआ है ये क्लोजर के साथ, पर ये ग्लोबल फिनोमिनन में पूरी दुनिया में ये इफेक्ट हो रहा है कि सब स्विमिंग पूल्स यू नो काफ़ी टाइम के लिए बंद किया गया था. पर अभी जब हम आगे देख रहे हैं, दो चीज़ है. एक तो कंपेटिटिव स्विमर्स जो स्पेशली जो टोक्यो 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे स्विमिंग पूल एक्सेस यू नो उनको कैसे प्रायोरिटी दिया जा सकता है उनको अपने प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फोकस पॉइंट है जो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ध्यान दे रही है और कोशिश कर रहे हैं. यू नो, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है लाइफ. यू नो, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर इन्वॉल्व है, तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व है इस डिसीजन मेकिंग में. तो पर अगर कंपटीटिव स्विमिंग के बात की बात किया जाए तो वो मेरे हिसाब से जल्दी खुल सकती है, क्योंकि स्विमिंग पूल अगर देखा जाए सेफ जगह है. यू नो, स्विमिंग पूल का पानी अगर बराबर से मेंटेन यू नो उसका जो क्लोरीन लेवल्स और पीएच लेवल्स जो केमिकल लेवल्स यू नो अगर वो बराबर मेंटेन किया जाता है तो स्विमिंग पूल का पानी काफी सेफ हो यू नो है लोगों के लिए. कितने लोग एक वक्त में पूल के अंदर जा रहे हैं, क्या बैचेस और छुट्टी होनी होगी, उस तरह के नियम कानून में तो अभी इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी कंपेटिटिव स्विमिंग मैनेज करने के लिए वो काफी इजी होगा, क्योंकि यू नो काफी यू नो जो ओलंपिक गेम्स टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए कोशिश कर रहे हैं जो यू नो वो छोटे नंबर है और उसका सोशल डिस्टेंसिंग या यू नो इजी यू नो हो सकता है, मैनेज हो सकता है. पर नाउ अगर हम बात करें पूरे इंडस्ट्री की यू नो कि जो उनको बहुत बुरा असर हुआ है, क्योंकि जो हमारा जो समर टाइम है वो पीक टाइम है यू नो हमारे इंडस्ट्री में इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो अभी तक उनका फोकस मेनली समर टाइम में होता है जो कमाने का थ्रू समर कैंप्स और थ्रू यू नो कंपेटिटिव प्रोग्राम कैंप्स के, तो उसमें हम देखा जाए देखेंगे तो इन तीन महीने में कुछ नहीं हुआ है. कुछ एक भी प्रोग्राम हुआ नहीं है तो उसका और लोग क्या करते थे कि जो भी उनका कमाए इन तीन महीने में होता था वो पूरा साल में यू नो स्प्रेड करते थे यू नो अलग कंपेटिटिव प्रोग्राम्स में. तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यू नो असर पड़ेगा जो यू नो इस लॉस का. और जो आप बता रहे थे कि आगे जाके न्यू गाइडलाइंस ऑफकोर्स आएंगे, जितने लोग यू नो एक साथ यू नो पानी के अंदर तैर सकते हैं वो कम होगा. उसको लेके यू नो जो भी जो फाइनेंस के ऊपर यू नो जितना लोग स्विमिंग के लिए पे करते थे उसके ऊपर शायद असर होगा, क्योंकि वो भी चेंज होगा. तो काफ़ी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यू नो जो न्यू नॉर्मल होगा वो थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट हो करेगा. वैसे तो कोई भी सेक्टर नहीं है जो इस वक्त अछूता हो कोविड से, कोविड का असर हर जगह ही पड़ा है, सब जगह ही चुनौतियां कहीं बड़ी हैं. लेकिन अगेन, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जब हम बात करते हैं, आपको अब 20 साल का वक्त हो गया ओलंपिक्स में गए हुए, क्या एक एटीट्यूडनल चेंज आया है सोसाइटी में स्विमिंग को लेकर कि अब ये एक सिर्फ लग्जरी की बात नहीं है? बहुत ऐसा लगता है, आपने कहा आपके माँ बाप ने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि बचपन में
आपके किसी दोस्त की मौत हो गई थी पानी में डूबकर जब आप छोटे थे, तो इसीलिए उन्होंने घबरा कर आपको स्विमिंग सिखाया। ये एक लाइफ स्किल सेट है जो कम उम्र में सिखाया जाना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये फैसिलिटीज, मैं छोटे शहर से आती हूँ, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आती हूँ, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारे लिए ये ऑप्शन था नहीं कि कोई स्विमिंग पूल हो हम जाकर वहां सीख ले। क्या वो आपको लगता है आज की तारीख में, आज के इंडिया में वो बदला है, ये ऑप्शन ज्यादा हुई है आप? हाँ, मैंने काफ़ी बदलाव देखा है इन यू नो ऑलमोस्ट 15 साल हुआ कि मैं स्पोर्ट चेंज करने के लिए यू नो स्पोर्ट इंडिया के जो परफॉर्मेंस चेंज बदलाव लाने में जुटा हुआ हूँ, और इन इन सालों में मैंने काफ़ी बदलाव देखा है। तो मेरे एक्सेस एक एक बड़ी चीज़ थी कि हम लोग सोचते थे कि हम तैर नहीं सकते अगर यू नो, तो वो बदलने लगा है। अभी काफ़ी सारे स्विमिंग पूल्स आने लगे हैं। अगर बैंगलोर की बात करो तो हमने एक सर्वे की यू नो रिसेंटली किया था, बैंगलोर में ऑलमोस्ट 500 प्लस स्विमिंग पूल्स है जो कॉमन यूज पूल्स जो हम बोलते हैं, जो जहाँ पे एक फैमिली से ज्यादा लोग तैर सकते हैं। तो यू नो अगर वो देखते हैं तो बैंगलोर, मुंबई, पुणे, आई मीन सब शहरों में स्विमिंग पूल्स बढ़ रहे हैं। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से ऑफ कोर्स यू नो और चाहिए, पर वो यू नो बढ़ने से अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। लोग ये ग्रोथ आप कहेंगे कि क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नजर आ रही है, क्योंकि आप जब छोटे गांव कस्बों की बात करते हैं भारत में, हालांकि कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल बेल्ट्स हैं, ज्यादातर अगर आप फार फ्लंग विलेजेस की बात करें या ऐसे में लोगों ने शायद नेचुरल वाटर बॉडीज में स्विमिंग सीखा हो, किसी ने तालाब में, बंगाल में कहते हैं पोखर में, उस वहां स्विम करना सीखा हो, कोई समुद्र चूंकि तट के आसपास रहता है तो वहां सीख लेता है, लेकिन प्रोफेशनली इसे कैसे चैनलाइज करें उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो, और उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ शहरों में नहीं छोटे छोटे गाँव में, वहां स्विमिंग को लेकर किस तरह से बदलाव नजर आते हैं? तो इसीलिए एक्चुअली स्मिता ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यू नो यही हमारी मोटिवेशन है, जो काम हम कर रहे हैं वो यू नो यही, क्योंकि हम लोग बदलाव देख रहे थे, पर जिस यू नो तरह का बदलाव यू नो जिस तेजी से हम बदलाव देखना चाहते हैं वो हम नहीं देख रहे थे। जब हमने पूछा कि इंडिया में इतना हमारा एंगेजमेंट पानी से क्यों इतना कम है, तो हमने देखा कि लोग जब सीखते हैं स्विमिंग सीखते हैं उसी में यू नो उसी टाइम चैलेंज है, क्योंकि उन लोग काफ़ी टाइम लोग जब वो पहले बार सीखने जाते हैं तो उनको मज़ा नहीं आता है, या अगर मज़ा आता है तो वो सही जो स्किल्स सेफ्टी स्किल या उनको जो स्विमिंग स्किल्स सीखने को नहीं मिलता, तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं आती है पानी के साथ एंगेज करना। स्विमिंग पूल आपने जैसे बताया, स्विमिंग पूल के अलावा काफ़ी पानी है इंडिया में, यू नो तालाब हो या समुद्र तट हो, यू नो इंडिया में काफ़ी लंबा समुद्र तट है, तो यू नो वो देखा जाए तो हम लोग बीच पे बैठ के पानी को देखते हैं, पानी के अंदर बहुत लोगों को नहीं देखेंगे। यू नो लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पानी में काफ़ी लोग सर्फिंग करते हैं, ओपन वाटर स्विमिंग करते हैं, तो वो मुझे यू नो चेंज करना था, और वही मोटिवेशन था कि हम लोग कैसे स्विम टीचर्स को यू नो इंडिया में हमारा फोकस कोचेस के ऊपर है, पर कोचेस प्रोफेसर्स का जैसे है यू नो वो बाद में आते हैं जब किसी को पानी आई मीन यू नो उनका फंडामेंटल स्किल्स बराबर है और उन लोगों को फिर कंपटीशन खेलना चाहते हैं, पर उनके पहले टीचर्स आते हैं, तो यू नो वो फर्स्ट बदलाव हमने शुरू किया लाने का। तो आज की तारीख पे यू नो हमने देखा है कि इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स यू नो बहुत सारे लोग जिनको पानी से प्यार है, पर उनको यू नो और दूसरे लोगों को सिखाना चाहते हैं। अभी हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको वो स्किल्स देते हैं।
और उस स्किल्स के साथ अभी हम काफी बदलाव देख रहे हैं. ओके, दैट्स पॉजिटिव टू हियर. मैं इसमें जरूर मीर अमीना के सवाल के बारे में अब आपसे पूछना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि यू नो आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर. मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, 3-4 दफा कोशिश की. शायद ज्यादा उम्र में जब सीखने जाते हो आप पानी से उतना कंफर्टेबल नहीं होते जितने कि आप बचपन में सीखते वक्त होते हो. सो आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट ए लूजर स्टूडेंट. अभी बहुत थोड़ा बहुत तैर लेती हूँ, बट इट्स हार्डली एनी लाइफ स्किल सेट. हाउ डू यू डील साइकोलॉजिकली विद दिस फियर ऑफ वाटर इश्यू? तो पहले जैसे मैंने आपसे पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी मैंने बताया था कि कोई बुरा स्टूडेंट नहीं होता है. तो मेन जो चीज है कि टीचर, अगर टीचर को पता है कि कैसे सब बच्चे को एक साथ लेकर जा सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से टीचर की जिम्मेदारी है. कोई बुरा स्टूडेंट नहीं होता है. तो हमारी जो कोशिश है कि हम टीचर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कि उनका जो टीचिंग की जो मेथड है वो कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि टीचर को काफी स्विम टीचिंग सबसे कठिन जॉब है. लोग स्विम टीचिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं. तो काफी टाइम लोग समझते हैं कि अगर किसी को तैरना आता है तो वो किसी को सिखा सकता है, स्विमिंग सिखा सकता है, पर वो नहीं है. किसी को स्विमिंग सिखाना एक स्पेशल स्किल है और उनको सपोर्ट करना है कि किस तरह का टेक्निक्स, सिखाने का टेक्निक, और जो सीखता है वो कैसे सीखता है. और तो लर्नर का के ऊपर तो पेशेंस, कैसे कैसे सब बच्चे को इकट्ठा इंगेज करना है, और खेल के द्वारा कैसे उनको सिखाया जा सकता है. वो काफी टेक्निक्स है जो एक उदाहरण देता हूँ. अगर किसी को आप बोलोगे पानी में अपना सिर डाल के पानी में बबल्स ब्लो करने के लिए, ये हम लोग सोचते आसान है, पर एक्चुअली आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है और कोई भी डरेगा क्योंकि पानी में आप लाइक सफोकेटिंग फीलिंग आएगी आपको. तो अगर बच्चे के साथ आप खेलोगे और एक खिलौना पानी के अंदर डालोगे, और अगर आप बच्चे को बोलोगे आपको खिलौना लेकर आना है, निकालना है, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मुझे मेरे सिर को पानी के अंदर डालना है, आंखें खोलना है. वो खुद पे खुद वो हो जाएगा और वो खिलौना क्योंकि उसका ध्यान खिलौना पे है, और वो खिलौना निकालने के लिए जाएगा. पर आप अगर उन बच्चे के ऊपर चिल्लाओगे और उसको बोलोगे आपका सिर पानी में डालो तो वो डरेगा, डर जाएगा. राइट. सो देयर हैव टू बी दीज स्किल्स जिसके जरिए आप एक फ्रेंडली अप्रोच भी कर सके, लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ा सके. अमीना अरसीवाला इज सेइंग इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव शो. थैंक यू अमीना फॉर योर फीडबैक. लेकिन हकीम मुदीन, आपसे मैं एक सवाल ये जरूर पूछना चाहूंगी. जब हम ओलंपिक्स के सफर की भारत की बात करते हैं, ऐसे भी हमारी मेडल टैली इज नॉट अप टू द रैंक. हालांकि पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, जहां तक दूसरे कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स हैं. स्विमिंग में आज तक हमारे मेन्स या वुमेन्स किसी भी कैटेगरी में जो है इंडियन हमारे स्विमर्स सेमीफाइनल्स तक एडवांस नहीं कर पाए हैं. क्या वजह है आपको लगता है? क्या कोई फिजिक की दिक्कत है, डाइट की दिक्कत है? How does one create an Olympic gold medal winning swimmer in the country? तो स्मिता, मेरा यही मानना है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है. तो लोग मुझे देखते हैं तो मेरा हाइट 5'6" है, मेरा फुट साइज 7 है, तो मेरे में कोई ज्यादा फिजिकल गिफ्ट नहीं है. पर मुझे ये मेरा यह मानना है कि मैं इंडिया का टैलेंट ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैंने आजकल के अगर आप इंडियन टीम देखोगे तो वीर धवल खाड़े जो है, श्री हरि जो है, वो सब 6'3" 6'4" उनका हाइट है. अगर आप दूसरे इंटरनेशनल स्विमर्स के करीब में देखोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा. तो हमारी यही एक कमी थी कि हमें विश्वास नहीं था कि हम लोग हम जीत सकते हैं, उस लेवल पे हम जाके हम जीत सकते हैं. और वो
हम यू नो कुछ सालों में हमने ये बदलाव भी देखने को मिला है, अलग अलग स्पोर्ट में शुरू हुआ, अभी स्विमिंग में भी आ रहा है यू नो कि, और अब क्योंकि अभी आप ओलंपिक्स के बारे में बात करोगे और यू नो स्विमिंग में या एक्वेटिक स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडल्स है, यस, इनफैक्ट ये तो मैं फोर्टी फ्लैग भी नाइन करना चाह रही थी कि आप ही के एक आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी कि किस तरीके से जब टोक्यो ओलंपिक्स होता है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, तो उसमें अकेले जो एक्वेटिक स्पोर्ट्स हैं जिसमें डाइविंग है, वाटर पोलो है, स्विमिंग है, 49 गोल्ड मेडल्स जो हाईएस्ट सबसे कैटेगरी है करेक्ट फॉर एनी स्पोर्ट्स कैटेगरी, और उसमें करेक्ट इंडिया का जब टैली जीरो जाता है तो ऑब्वियसली हमारी ओवरऑल टैली अपने आप में घट जाती है। आपने उसमें लिखा था कि अगर माइकल फेल्प्स अमेरिका की जगह इंडियन टीम में होते तो कैसे हमारी मेडल टैली परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई होती। करेक्ट तो ये अपने आप में निश्चित रूप से बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस पर फिर फोकस करें। करेक्ट और स्मिता यू नो मुझे खुशी है कि अभी यू नो हाले यू नो 2 साल में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना शुरू किया है स्विमिंग के ऊपर, क्योंकि यू नो हम लोग कहते थे कि यू नो स्विमिंग इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है, नॉट सोशल के लिए भी यू नो और इकोनॉमिक्स के लिए भी और परफॉर्मेंस के लिए भी, पर यू नो हर हर एक का टाइम आता है और मुझे खुशी है कि टाइम लगा है पर अभी ध्यान आने लगा है स्विमिंग के ऊपर। यू नो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, सबने अभी स्विमिंग को सपोर्ट करने में यू नो जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका ध्यान है कि अगर इंडिया का मेडल टैली बढ़ाना है ओलंपिक गेम्स में, तो स्विमिंग एक स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है यू नो तो हमारे में इंडिया में काफ़ी माइकल फेल्प्स छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना है, उनको प्लेटफॉर्म देना है अपना हुनर दिखाने के लिए, और यू नो इंडिया को टॉप लेने में वो काफ़ी हेल्प करेंगे। शेरे बानो मिल्की हैं जो कह रहे हैं कि ब्रिलियंट वर्क, स्विमिंग डज नीड मोर सपोर्ट, थैंक यू। एंड अमीर अमीना वापस से पूछ रहे हैं कि क्या स्विमिंग को आप खुद से भी सीख सकते हैं। मुझे उसमें तो मैं ये लोगों को ये डिस्क्लेमर भी, इनफैक्ट कॉशन भी दे दूंगी जो जिसका जिक्र पहले हकीमुद्दीन कर रहे थे कि चूंकि आप स्विमिंग जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्तों को भी स्विमिंग सिखा सकते हैं। इस वजह से इंडिया में बहुत सारी, इंडिया और वर्ल्ड में बहुत सारी एक्सीडेंट्स भी होती हैं, तो वो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि एक जो ट्रेनर है, प्रोफेशनली ट्रेन्ड कोच है उनमें और एक शख्स जो स्विमिंग में अच्छा हो, स्विमिंग करना सकता हो, उनमें डिफरेंस होता है। क्या आप अग्री करेंगे इस बात से हकीमुद्दीन? एब्सोल्युटली स्मिता, एब्सोल्युटली आप यू नो मैं अग्री करता हूँ, और यू नो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स के बाद ड्राउनिंग सबसे ज़्यादा यू नो प्रिवेंटेबल डेथ्स में आता है, तो हर साल जो रिकॉर्डेड डेथ्स बाय ड्राउनिंग है लास्ट ईयर 2019 में 30,000 डेथ्स बाय ड्राउनिंग रिकॉर्ड हुआ था, तो उसके ऊपर यू नो हम काफी हमारी फोकस है कि एज अ फंडामेंटल लाइफ स्किल, और इसीलिए हमारा जो मानना है कि हर एक भारतीय को तैरना आना चाहिए फर्स्ट एज अ लाइफ स्किल, एज अ सेफ्टी, तो यू नो सब सीखना चाहिए स्विमिंग, और उसके बाद यू नो अगर उनको पसंद है तो हेल्थ फिटनेस रिक्रिएशन के लिए वो लाइफ लॉन्ग पानी के साथ जुड़े रह सकते हैं, पर कभी भी आप या अपने बच्चे को पानी के पास अकेला नहीं रहना चाहिए, कोई यू नो हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना सिखाया, आपको कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप समुद्र में जाके यू नो स्विमिंग कर सकते हो या एक रिवर में, क्योंकि जो स्टिल वाटर है जो स्विमिंग पूल में और मूविंग वाटर जो है जो समुद्र और रिवर में है वो काफी अलग होता है और का फील अलग होता है, तो काफी एक्सीडेंट्स इसके कारण भी होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मुझे तैरना आता है और फिर गलत जगह पे और गलत टाइम पे जाके यू नो दिखाने की कोशिश करते हैं, और
उसी में हादसा हो जाता है, हादसा हो वहां जाता है। वहां बहुत संभल के रहना चाहिए। चलिए, हमारे इस कॉन्वर्सेशन के आखिरी अब पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, यहाँ जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हकीमुद्दीन, और जो प्रोफेशनली स्विमिंग को ऑलरेडी कर रहे हो, कम्पीट कर रहे हो, किस तरह का उनका शेड्यूल होना चाहिए डेली? कितनी आवर्स ऑफ एक्सरसाइज जरूरी होती है, क्योंकि स्विमिंग बहुत स्ट्रेनुअस भी होता है। किस तरह की डाइट प्लान्स फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का उनका हेल्थ शेड्यूल होना चाहिए? स्मिता, ये 2 मिनट का आंसर नहीं है तो, बट अगर मैं काफी चेंज हुआ है जब मैं ट्रेनिंग करता था और अब मैं जब यू नो इंडिया के टॉप एथलीट्स को देखता हूँ, तो जब हम लोग ट्रेन करते थे हम लोग हार्ड ट्रेन करते हैं, यू नो काफी मेहनत, खाली ओनली मेहनत के ऊपर हम फोकस करते थे। पर अभी जो फोकस है वो स्मार्ट ट्रेनिंग के ऊपर है, यू नो कैसे हम लोग यू नो हमारे शेल्फ लाइफ को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, हम काफी सालों तक हम कम्पीट कर सकते हैं एट द हाईएस्ट लेवल। और स्विमिंग एक ऐसी एक यू नो जब कम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं तो सबको आपको एथलीट भी होना है, वेट लिफ्टर भी होना है, यू नो तो मल्टी स्किल्ड, और उसके उसके बाद आप लोग स्विमिंग भी करते हो उसके ऊपर। तो स्विमिंग इज यू नो काफी हद तक वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट्स है, यू नो ट्रेनिंग के हिसाब से। स्केड्यूल लोग ऑलमोस्ट यू नो एक एलीट एथलीट सुबह 2 या 3 घंटा मिनिमम ट्रेनिंग करेगा और शाम को यू नो फिर से 2-3 घंटा ट्रेनिंग करेगा। तो और वीक में 6 दिन ट्रेनिंग करेगा और यू नो और हर दिन 2 सेशन, तो ऑलमोस्ट यू नो 12 सेशंस अ वीक। और जब जस्ट एक यू नो अगर किसी को आइडिया आना है तो जब मैं स्विमिंग करता था एक सेशन में हम लोग 5 या 8 किलोमीटर के बीच में एक सेशन में कवर करते थे, तो wow. एक दिन में ऑन एन एवरेज 12 से यू नो 15 किलोमीटर हम लोग पानी के अंदर उसके ऊपर से हम लोग यू नो भागते थे, ऑलमोस्ट 5 या 8 किलोमीटर भागते थे। तो काफी यू नो वो अगर वो देखोगे तो शायद मैंने दुनिया का काफी राउंड पानी में ऑलरेडी बिताया है। और ऐसे भी किसी भी स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करके मेडल्स जीतना, उसके पीछे बहुत गहन अनुशासन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। एक आखिरी ऑडियंस सवाल लेना चाहूंगी। सुल्तान घड़ियाली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द जेंडर रेशियो इन स्विमिंग एंड व्हाई टुडे, आपके टाइम पे निशा मिलेट थी, आज हम शिवानी कटारिया की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि विमेन में जो है इसे ज्यादा पुश मिल रहा है प्रोफेशनली? आप अभी कंपेरेटिव स्विमिंग में ये एक बड़ी गैप है, यू नो मेरा ये मानना है कि आगे जाके अगर हमको टैलेंट निकालना है तो वुमेन स्विमर्स में बहुत सारी पोटेंशियल है, पर उनको मेन चीज जो है कि उनको कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए, क्योंकि जो कल्चरली एक चैलेंज है तो हम लोग यही माना है कि कैसे उनका पूरा जो एनवायरनमेंट है वो यू नो अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल सेफ बनाया जाए कि ज्यादा ज्यादा लड़कियां आके स्विमिंग में ज्यादातर, क्योंकि हमने देखा है कि इनिशियल शुरुआत में काफी लड़कियां आती है स्विमिंग करने के लिए, पर जब उन लोग यू नो 13, 14, 15 साल के होते हैं तो छोड़ देते हैं स्विमिंग। तो वो चेंज करना है यू नो, और काफी हमारी कोशिश चल रही है, काफी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा शुरू की है, यू नो वेदर यू नो एक सेंसिटिव इशू हो, मेंस्ट्रुएशन की बात करें या यू नो कल्चरली कैसे यू नो लोगों को ये यू नो
अवेयर त्वचा करें. त्वचा के बारे में, यू नो, कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे यू नो मुझे टैन आ जाएगा, तो यू नो वो सब थोड़ा चेंज हो रहा है. यू नो जैसे हम लोग हमारी यू नो सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है, इन इन सुपरफिशियल चीजों से ऊपर आ रही है. हमने देखा है कि ज्यादा चेंज आ रही है, पर जितना हमारा स्कोप एंड पोटेंशियल है उस यू नो वो अभी भी चैलेंज है. बहुत सारे ऐसे अभी भी जो है सोशल कल्चरल टैबूज भी हैं जिन्हें अभी भी बहुत जगह खास करके औरतों को महिलाओं को तोड़ना पड़ता है. नीतीश कुमार हाई कह रहे हैं, आपको भी हेलो. हमारा लास्ट जो आपसे मैं पूछना चाहूंगी हकीमुद्दीन कि इस वक्त रियलिस्टिकली आपको लगता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को किसी मेडल की इस वक्त उम्मीद है, या वी आर एक्चुअली लुकिंग एट मे बी 2028 व्हेन वी कैन स्टार्ट मेकिंग अ स्प्लैश एंड अ डाइव, इफ आई मे से सो. तो 2020 की यू नो कोई मेडल की उम्मीद नहीं है, यू नो आई तो, पर 2028 डेफिनेटली, यू नो अगर सब लोग जुट जाते हैं और यू नो जो हमारी जो शुरुआत हमने की है वो यू नो तेजी से बढ़ती जाती है, तो मेरे मुझे विश्वास है कि 2028 हो सकता है कि हमारे पास ओलंपिक गोल्ड मेडल की संभावना डेफिनेटली है. ओके, वी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. आपकी एक फोटो हमने अपनी प्रोमो वीडियो में इस्तेमाल किया था जिसमें आप अपनी बेटी के साथ हैं पानी में, आई थिंक वो 4 साल की हैं. क्या उनको ऑलरेडी जो है आप एक कंपेटिटिव स्विमर के लिए ट्रेन करना आपने शुरू कर दिया है, या इस वक्त शी इज ओनली एंजॉयिंग बीइंग इन द वाटर? अभी मुझे यू नो मेरी बेटी को मेरा यही मानना कि उसको पानी से प्यार होना चाहिए. अगर खुद उसको इंटरेस्ट है कंपटीशन स्विमिंग कंपटीशन करने के लिए तो मैं सपोर्ट करूंगा, पर मेरा ये नहीं मानना है कि उनको कोई यू नो उसके ऊपर फोकस करना है. मैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा कि जो भी उसको स्पोर्ट खेलना है, पर उसको पानी से प्यार है अभी, तो वो मुझे उसको सपोर्ट करना है कि वो बना रखे. चलिए, वो हमारी तरह डिसअपॉइंटिंग नहीं है कम से कम कि पानी के साथ कंफर्टेबल है, बट उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बकेट लिस्ट में एक निश्चित रूप से ये एक टिक मार्क लगाने वाली बात होगी जिस दिन मैं डाइव कर सकूं. आपसे आके वो स्किल सेट जरूर सीखूंगी. और सकीना इब्राहिम कह रही है, As Hakeem's grandmother, I have watched my boy grow up and in each step he has made us proud. It is wonderful to hear his story in Hindi today. Thank you so much, Sakina ji, for joining us in the session. And I know that Hakeem is not comfortable in Hindi. Unhone in fact bakaayda practice kiya hai, struggle kiya hai ki Hindi mein kaise conversation kar sake. Hakeem, what would you like to say to your grandmother? She's 96 years old. Wow. You know, जिस तरह से वो जिंदगी जीती है वो काफी इंस्पिरेशन है हम, you know, मुझे भी. You know, she always, you know, जो भी मुश्किल है उसने काफी मुश्किल के you know, का सामना किया है, पर हमेशा you know, एक स्माइल के साथ you know, एक स्माइल के साथ उसने you know, हर मुश्किल की सामना की है, तो वो मेरी प्रेरणा है, you know, एक इंस्पिरेशन है. That's lovely. सकीना जी, आपने इस शो में अपना कमेंट देकर जो है हमारे इस शो को और स्पेशल कर दिया. बहरहाल हमारे जो तमाम ऑडियंस हैं, हमारे दोस्त हैं, रॉबिन, नीरमीना, सभी लोगों को, सुल्ताना, नीतीश, विवेक, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए, हकीमुद्दीन से अपने सवाल पूछने के लिए. एंड हकीमुद्दीन, आपका भी बहुत शुक्रिया. आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आप लोगों की कैंपेन चल रही है स्विमिंग मैटर्स इंडिया या लेट्स पूल इन, उसके साथ आप कैसे लोग जुड़ सकते हैं? श्योर स्मिता, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके यू नो ऑडियंस के साथ कि यू नो हमारी ये एक कोशिश है, लेट्स पूल इन एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है जो स्विमिंग इंडस्ट्री को यू नो अभी मुश्किल के यू नो मुश्किल हालात है अभी, उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया. इट्स ओलंपियंस, पैरालंपियंस, अर्जुन अवार्डीज और राष्ट्रीय लाइसिंग सोसाइटी के सपोर्ट के साथ हम लोग यू नो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इस एक प्लेटफॉर्म है प्ले फॉर इंडिया
जिसके द्वारा हम लोग हमारी फर्स्ट स्टेप है जो 100 लोग जो बेनिफिशियरीज है उनको कैसे एक टाइम का ग्रांट 10,000 रुपीज का सपोर्ट दे सकते हैं। तो जो भी आपके ऑडियंस है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट कीजिए इस एक इनिशिएटिव, हमारा जो इनिशिएटिव है, इट माइट किसी का लाइफ चेंज हो सकता है आपके सपोर्ट के द्वारा। राइट, आप ट्विटर पर भी हकीम हबीबुल्ला के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और लाइक स्कूल इन इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया आज मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सफरनामा का ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर हाजिर हम होंगे किसी नए शख्सियत के साथ, बात करेंगे उनके जिंदगी के सफर के लिए। आज बस इतना ही, नमस्कार। थैंक यू स्मिता।